नमस्कार, मैं हारिस खबर आसनसोल में आपका स्वागत करता हूं। खबर आसनसोल जिसे लेकर आप तक आया है सूरज ब्रांड मस्टर्ड ऑयल। खबर आसनसोल हिंदी स्पॉन्सर्ड बाय सूरज ब्रांड मस्टर्ड ऑयल। सीधे बढ़ते हैं खबरों की ओर। त्रिपुरा और नागालैंड में मिली चुनावी सफलता की खुशी में आसनसोल के बीजेपी लीडरों ने जीत का जश्न मनाया। ये जश्न आसनसोल बाजार इलाके में स्थित पार्टी ऑफिस के सामने मनाया गया। काउंसलर आशा शर्मा, एसएन लांबा समेत कई दिगर लोग इस अवसर पर मौजूद थे। पूरब से लेके पश्चिम, पश्चिम से लेके उत्तर, उत्तर से लेके दक्षिण, केसरिया 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 है देश में मोदी भैया, यूपी में योगी भैया, देखो ऐसा धूम मचाया विरोधियों का किया है, देखो ऐसे सफाया हो विरोधियों का किया है, देखो ऐसे सफाया। परिणाम है तीनों राज्यों में, खासकर त्रिपुरा में। त्रिपुरा एक ऐसी जगह थी जहां हमारा अस्तित्व नहीं था। हमको आज के रिजल्ट के बाद ज्योति बाबू की बात याद आती है। उस समय भी सीपीएम का राज था और ज्योति बाबू हमेशा कहा करते थे बीजेपी को था हमें दूरबीन दिए देखते बच्ची। उस टाइम हम लोग कहते थे दूरबीन सीधी पकड़िए, अब भाजपा को देख पाएंगे। त्रिपुरा में भी वही बिल्कुल वही हाल था, वही बात थी। आज त्रिपुरा के सीपीएम वालों को हमने बता दिया, वहाँ की जनता ने बता दिया कि अगर यहाँ सीपीएम की विचारधारा नहीं चलेगी, अब भाजपा की विचारधारा चलेगी, राष्ट्रवादी विचारधारा चलेगी, और इसीलिए उन्होंने इस तरह से ज़बरदस्त जीत हमको दिलवाई। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जितनी बार चुनाव होते हैं उससे पहले हमारे विरोधी दल जो है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सीपीएम हो, चाहे जो भी हो, उनका एक कॉमन बात रहती है, भाजपा ने सारे देश को बर्बाद कर दिया है, जनता जवाब देगी। और जितनी बार वो कहते हैं कि जनता जवाब देगी, जनता जवाब देती है, उनको हराती है और भाजपा को जिताती है। आज जो जीत है एक ऐतिहासिक जीत, जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारत आगे बढ़ रहा है, विकास हो रहा है, क्योंकि यहाँ जो जीत है वो जनता की जीत है, जनता के विश्वास की जीत है, वो सबका साथ सबका विकास उसकी जीत है। तो मैं हमारे सीनियर नेता लोग जो वक्तव्य दिए हैं मैं उनसे सहमत हूँ। और मैं क्या बोलूँ, ये इस जीत से मुझे दो पंक्ति मेरी कविता याद आई है कि आज पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों तरफ सिर्फ भगवान ही लहराया है, और बस ये भारतीयों की जीत है। आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में भी यहाँ पर जीत होगी, बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। पश्चिम बर्धमान के पहले सरकारी मेला का उद्घाटन एडीडीए मैदान में हुआ। सदीकुल्ला चौधरी, जावेद खान और मंत्री मुलायम घटक इस अवसर पर मौजूद थे। इस मेले में उर्दू, हिंदी, बंगला, हर जबान की पुस्तक मौजूद है। माननीय मंत्री जनाब जावेद खान साहेब, माननीय मंत्री जनाब सिद्दीकुल्ला साहेब महाशय,
সকল গুণীজনেরা একসঙ্গে রয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী জনাব জাভেদ খান সাহেব। কিন্তু যারা বই প্রেমী আছেন তাদের ঘুম আসবে না যদি রাত্রেবেলা এক প্যারাগ্রাফ কি এক পেজটা না পড়েন খাওয়ার পরে, তাহলে ঘুম আসবে না। বইমেলা কমিটি বহু বছর ধরে সেই বইমেলা করে থাকেন, কিন্তু এই সরকারি বইমেলা আমরা একবার 2014 সালে করেছিলাম, 14-15 সালে পুলিশ লাইন গ্রাউন্ডে, এবং আমাদের বর্ধমান জেলায়, অবিভক্ত বর্ধমান জেলায় সেটা বোধহয় 25 বা 26তম বইমেলা ছিল। এই জেলার বইমেলা বিভিন্ন বছর ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন জায়গাতে হয়, তো 26তম বছরে আমরা আসানসোল পেয়েছিলাম। সেবারেও আমি তৎকালীন যিনি জনশিক্ষামন্ত্রী ছিলেন তাকে বলে আসানসোলে সেই বইমেলাটা করাতে পেরেছিলাম, কিন্তু এবারে প্রথম বছরই আমরা এখানে বইমেলাটা করতে পেরেছি। কারণ বইমেলা খালি নয়, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 2011 সালে দায়িত্ব নেবার পরে রাজ্য সরকারের যে উদ্যোগ, রাজ্য সরকার মানুষের জন্য যে কাজগুলো করেন সেগুলো মূলত মেলার মাধ্যমে মানুষের কাছে, মানুষের বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার জন্য এই মেলার ব্যবস্থা করেছিলেন। सूरज ब्रांड मस्टर्ड ऑयल रिफाइंड तेल के जहरीले असरात से बचने के लिए सूरज ब्रांड का प्योर कच्ची घानी सरसों का तेल ही इस्तेमाल करें। FSSAI सर्टिफिकेट याफ्ता प्योरिटी और डेंसिटी के मामले में लिलाबा एनालिटिकल लेबोरेटरीज में साबित डबल फिल्टर सेहत के लिए बेस्ट, खाने और दूसरी तरह से इस्तेमाल के लिए Grade 1 सूरज ब्रांड मार्का सरसों का तेल ही खरीदे। दो चीजों से हम समझौता नहीं करते, क्वालिटी और वेट। रोजमर्रा और शादी ब्याह के मौके पर रابطہ करें। सूरज ब्रांड मस्टर्ड ऑयल बर्नपुर पश्चिम बर्दवान मार्केटेड बाय ABU ट्रेडिंग कंपनी। डेनिम कोचिंग सेंटर मकरबी कपास के स्टूडेंट्स को अब मायूस होने की जरूरत नहीं। झारखंड मुक्ति के प्रदेश और दिल्ली के मंजूरशुदा कॉलेजेस से अब वो रेगुलर या डिस्टेंस मैट्रिक के साथ साथ मैट्रिक, HSBA, BCom, MCom, BBA, MBA, BCA और MCA के इम्तिहानात में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा बैंगलोर और राजस्थान के किसी भी कॉलेज से बीटेक, बीएड, एमएड का कोर्स और डीएड का कोर्स मुकम्मल कर सकते हैं। कोचिंग सेंटर BNM कोचिंग सेंटर रजिस्ट्रेशन ऑफिस बर्नपुर, वर्किंग ऑफिस शास्त्री नगर मेन रोड लेयर हिंदी हाई स्कूल बर्नपुर। आसनसोल लेखक कवि साहित्य समावेश की ओर से लिटिल मैगजीन का आरंभ हुआ। आसनसोल गुप्ता कॉलेज में इस मेले का उद्घाटन हुआ। इतवार तक ये मेला जारी रहेगा। अमल बनर्जी, डॉक्टर अरुणव सेन गुप्ता समेत आसनसोल के कई लेखक और कवि इस अवसर पर उपस्थित थे। जाहिरुल हसन महोदय के पुष्प स्तवक दिए। তিনি আমাদের এই লিটল ম্যাগাজিন মেলার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আমরা গ্রহণ করব এবং এখানে উঠে বেঁচে যাবে। অমল বাবু আসুন একটা, দু বারুদ যে তাদের আসুন এবং অন্যান্য যারা পারিবারিক কারণে যেটাও পারবো না, ওকে বেঁধে রাখতে চেয়েছেন এরকম একটা। এই মাঠে আমরা লিটল ম্যাগাজিন মেলা করেছিলাম, সেই তারিখটা ছিল 24 এবং 25 মার্চ। প্রচণ্ড দাবাদ, আসানসোলের গরম, লুয়ের হাওয়া, সেই 2014 সালে 2018 সালের যে উপস্থিতি আজকে দেখছি অনেক বেশি ছিল।
এই মেলা আসানসোলের বুকে লিটিল ম্যাগাজিন মেলা অনেক পত্রিকা সম্পাদক লেখক কবিদের মনে একটা স্বপ্ন দীর্ঘকাল ধরে বাসা বেঁধেছিল, বাস্তবে হয়নি। বাঙালি মাত্রই মেলা, এই আমাদের আসানসোলের লিটিল ম্যাগাজিন মেলার কথা বলতে গেলে প্রথম থেকে যেসব মানুষেরা এই মেলা তিল তিল করে গড়ে তুলেছিলেন তারা আজ কেউ আমাদের সঙ্গে নেই। ভাবতে অবাক লাগে যে শহরে বাড়ির থেকে বেরোলেই আমি বাধ্য হই হিন্দিতে কথা বলতে, আমি বাসে উঠলে বাধ্য হই হিন্দিতে কথা বলতে, আমি যে রাস্তার আশেপাশের দিকে তাকাই কোথাও বাংলা লেখা সাইনবোর্ড দেখতে পাই না, দেখতে পাই হিন্দি লেখা সাইনবোর্ড। তাহলে কি আসানসোলে বাঙালি নেই? আছে, প্রচুর সংখ্যক বাঙালি আছে যারা পেশাগত কারণে বাড়ির বাইরে বের হন, আবার বাড়ির ভিতর ঢুকে যান। খবর আসানসোল হিন্দি স্পন্সর্ড বাই সুরজ ব্র্যান্ড মাস্টার্ড বাই। खबरों में आज के लिए यहीं तक, देखते रहिए खबर आसनसोल इसी वक्त इसी चैनल पर, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।